हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैरीगोल्ड स्टैंडर्ड 5 यूनिट 2 टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ मिलकर एक समूह बनाकर हमें काम करना होता है, उसको टीम वर्क बोलते हैं। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स, के आपको काम करने में या फिर खेलने में दूसरों के साथ मज़ा आता है, दूसरों के साथ खेलने में या काम करने में आपको क्या मज़ा आता है? तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो टीम वर्क के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टीम वर्क, टीम वर्क यानी कि ग्रुप में काम करो, ग्रुप में काम करो, एक साथ मिलकर काम करो। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। अगर हम टीम में काम करेंगे, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारे जो सपनों में जो वर्क होता है, सपनों का जो काम होता है, जो हमारे सपने हैं, वो हम उसको सच कर सकते हैं या फिर वो वर्क भी हम कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। अगर हम टीम में एक साथ मिलकर जो काम करने की वजह से हमने जो काम किया है उसकी जो हमें खुशी मिलती है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर हम टीम में काम करें तो। इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हुप, बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स। यानी कि अगर हम बास्केटबॉल हुप में जो डालते हैं, हुप यानी कि जो बास्केटबॉल की जो रिंग होती है उसमें, बास्केटबॉल में ये जो हमें शूट करते हैं हमारा बॉल वो हुप में डालते हैं, वो एक बहुत ही मज़ेदार बात है। लेकिन बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स, अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो हम शूट भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम जो गोल करते हैं बास्केटबॉल में, बॉल डालकर जो गोल करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो, राइट। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। रिले रेस कोई कर ही नहीं पाएगा अगर कोई उसके जो बैटन है उसको पास नहीं करेगा। रिले रेस यानी कि ये जो गेम होती है उसमें 4 पर्सन होते हैं और ये जो 4 पर्सन है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर वो 4 पर्सन है वो अगर रेस में नहीं दौड़ेंगे तो रेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन है उसके हाथ में बैटन, बैटन यानी कि एक जो लकड़ी का हत्था होता है या फिर उसको आप एक ट्यूब जैसा होता है उसको पकड़ के आपको भागना होता है। अगर फर्स्ट पर्सन उसे लेकर भागेगा और वो जो नेक्स्ट प्लेयर है, सेकेंड प्लेयर, उसके हाथ में वो बैटन है उसे हैंड ओवर करेगा, फिर सेकेंड पर्सन रन करेगा, फिर वो थर्ड पर्सन को हैंड ओवर करेगा और थर्ड पर्सन जो है वो भागेगा और वो फोर्थ पर्सन को हैंड ओवर करेगा। ऐसे ही रेस कंप्लीट होती है। अगर ये जो बैटन है अगर वो कोई भी किसी को पास नहीं करेगा तो ये जो रिले रेस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। वेयर द पार्ट्स दैट मेक अप द वॉल। और अगर ये जो सारे जो पार्ट्स है यानी कि हम सब ये जो गेम है उसके पार्ट्स है, एक हिस्सा है गेम का ग्रुप में से, ठीक है, अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। हम सब एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जैसे कि क्रिकेट में अगर विकेट कीपर जो है वो नहीं होगा तो पीछे से बॉल को कौन कैच करेगा? अगर बैट्समैन ही नहीं होगा तो रन कौन बनाएगा? अगर बॉलर ही नहीं होगा तो बॉल कौन फेंकेगा, राइट। वैसे ही सबका कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है टीम में कुछ ना कुछ प्ले करने के लिए। हम सब उसके पार्ट्स हैं, हम सब उसके हिस्सा है, तभी ये सब कुछ जो वॉल है वो सब कुछ हो पाएगा। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल्स। और हम अगर हम सबकी आइज, हम सबका जो गोल है यानी कि हम सबका जो लक्ष्य है वो कॉमन यानी कि एक ही होगा, हमारी आइज जो है वो, हम सबकी आइज जो है वो हमारे गोल पर ही टिकी होगी, तो हम जो चाहेंगे वो हम सब मिलकर कर पाएंगे। समटाइम्स
इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस। तो कभी कभी क्या होगा, ये हमारा बिग प्लस यानी कि एक बहुत ही महत्व का पॉइंट होगा, एक बेनिफिट होगा कि अगर जो आप और हम दोनों मिलकर, आप तुम और हम मिलकर, दोनों मिलकर जो हम बन जाए, अस बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। क्योंकि जो कोई भी काम होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले मिलकर कोई वर्क जो होता है वो बेस्ट नहीं दे पाते हमारा, लेकिन अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो हम अपना जो है वो बेस्ट दे पाएंगे, हम सब मिलकर एक साथ में काम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लस पॉइंट हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ, हमारा ये बिग प्लस हुआ कि यू और मी, तुम और मैं मिलकर जो हम बन जाएंगे तो ये बिग प्लस होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम सबको ग्रुप में मिलकर ही काम करना चाहिए, राइट? अगर हम पेन जो है वो एक ही उंगली से पकड़ के लिख सकते हैं, नहीं ना, तो हमें पूरी की पूरी पांचों उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से हम अच्छी से हैंड राइटिंग निकाल सकते हैं, वैसे ही अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो ये हमारा बिग प्लस होगा, यानी कि मेन पॉइंट हमारा बेनिफिट होगा। तो ये थी हमारी स्टोरी, सॉरी पोएम टीम वर्क। और हमने इस पोएम में से जो मोरल लिया है वो हमें लाइफ में याद रख के उसको फॉलो अप करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज लर्न करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट कैन वी डू इफ़ वी वर्क टुगेदर? हम क्या कर सकते हैं अगर जो हम एक साथ काम करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर है, इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा जो सपनों का वर्क है वो भी हम उसे कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल व्हाट विल हैपन इफ नोबडी पासिस द बॉल? बास्केटबॉल की जो गेम है अगर उसमें हम बॉल ही पास, कोई भी जो है वो बॉल पास नहीं करेगा तो क्या होगा? आंसर, इन बास्केटबॉल इफ नोबडी पासिस द बॉल देन नोबडी शूट्स। अगर जो कोई भी है वो बॉल को पास नहीं करेगा तो कोई भी शूट भी नहीं कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन कैन अ रिले रेस नॉट गो ऑन? जो रिले रेस है वो कब वर्क नहीं कर पाएगी, कब आगे नहीं बढ़ पाएगी? आंसर, रिले रेस कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर कोई बैटन को ही पास नहीं करेगा तो रिले रेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, what is a big plus? Big plus क्या है? Answer, when a you or a me becomes an us, it can be a big plus. अगर तुम और मैं मिलकर हम बन जाए तो वो हमारा क्या हुआ? Big plus हुआ। Now second question, write the correct option A, B, C or D in the box. तो हमारा first question है, What is needed to make our dream work? हमें हमारा ड्रीम वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए टीम वर्क यानी कि ग्रुप वर्क चाहिए, या फिर बी हार्ड वर्क हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या फिर सी गुड वर्क हमें अच्छा वर्क करना चाहिए, या फिर डी क्विक वर्क यानी कि हमें तेज़ी से फास्ट वर्क करना चाहिए। तो हमें हमारा ड्रीम वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए टीम वर्क। तो हमारा आंसर आएगा ए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन बास्केटबॉल इफ नोबडी डैश नोबडी शूट्स। बास्केटबॉल में अगर कोई क्या नहीं करेगा तो शूट नहीं होगा। तो ए थ्रोस, बी पासिस, सी कैचिस या फिर डी प्ले। कोई थ्रो नहीं करेगा यानी कि फेंकेगा नहीं, पास नहीं करेगा, या फिर कैच नहीं करेगा यानी कि पकड़ेगा नहीं, या फिर कोई खेलेगा नहीं। अगर कोई पास नहीं करेगा तो ही शूट नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन बी आएगा पासिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ रिले रेस कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू ए रन फास्ट, बी टेक अ पार्ट, सी पास द बैटन या फिर डी पास द बॉल। रिले रेस कब आगे नहीं बढ़ पाएगा? जब कोई क्या नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई तेजी से दौड़ेगा नहीं तब, या फिर कोई पार्ट नहीं लेगा तब, या फिर कोई जो बैटन है उसको पास नहीं करेगा तब, या फिर कोई बॉल को पास नहीं करेगा।
तो हमारा आंसर आएगा सी, पास द बैटन। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ टीम वी मस्ट फोकस ऑन द डेस्क। अगर हम टीम में होंगे तो हमें किस पर हमारा फोकस होना चाहिए? ए लीडर, या फिर बी टीम मेंबर्स, सी वर्क, या फिर डी कॉमन गोल। तो हम सबकी आइज जो है, हम सबका जो फोकस है एक ही होना चाहिए। हम सबका जो गोल है वो सबका कॉमन होना चाहिए। उस पर हम फोकस करेंगे तो हम हमारा बेस्ट टीम वर्क कर पाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा डी कॉमन गोल। क्वेश्चन 5, राइट द मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमें सिमिलर वर्ड्स या फिर उसका मीनिंग लिखना है। फर्स्ट टीम वर्क। टीम वर्क वर्क यानी कि कंबाइंड एफर्ट ऑन ग्रुप, यानी कि एक साथ समूह में मिलकर हमें इकट्ठा होके, एकजुट होके हमें कुछ वर्क करना होगा, उससे कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, उसको टीम वर्क कहते हैं। सेकेंड टू पास यानी कि गिव मूव ऑन वर्ड, यानी कि हमें पास करना है, यानी कि देना है या फिर उसे आगे बढ़ाना है। थर्ड क्वेश्चन, बैटन यानी कि शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस। यानी कि बैटन यानी कि कोई ऐसी छोटी लकड़ी या फिर ऐसी ट्यूब है जिसको रिले रेस में कैरी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोल यानी कि टारगेट एम या फिर रिजल्ट, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो या फिर उसका परिणाम। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस यानी कि प्रॉफिट या फिर बेनिफिट, यानी प्लस यानी कि फ़ायदा जो हमें होता है या फिर लाभ होता है उसको प्लस यानी कि प्रॉफिट या फिर बेनिफिट कहते हैं।